4 अक्टूबर को निफ्टी में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों, यूएस फेड की मौद्रिक नीतियों में नरमी आने की उम्मीद और भारतीय बैंकों की तरफ से अच्छे तिमाही अपडेट ने बाजार का मूड सुधार दिया। 4 अक्टूबर को निफ्टी 387 अंक की बढ़त के साथ 17,274 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में इस तेजी में सभी सेक्टरों की भागीदारी थी। हालांकि इस तेजी में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और मेटल स्टॉक ने सबसे ज्यादा योगदान किया था। निफ्टी दिन के हाई के करीब बंद हुआ था। इसने हायर हाई बनाते हुए डेली चार्ट पर बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाया था। शेर खान के गौरव रत्न पारखी का कहना है कि अब निफ्टी के लिए 17,300 के स्तर पर पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर जब तक इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर लेता तब तक इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 17,300 के स्तर को पार कर लेता है तो ये हमें 17,500 की तरफ जाता नजर आएगा। निफ्टी के लिए अब नियर टर्म सपोर्ट ऊपर की तरफ 17,000 पर आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर निफ्टी मजबूती के साथ 17,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहता है तो फिर हमें ये 18,100 की तरफ बढ़ता नजर आ सकता है। नीचे की तरफ इसके लिए 17,000 पर मजबूत सपोर्ट है। 4 अक्टूबर के कारोबार में बॉर्डर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.66% और 1.76% की बढ़त लेकर बंद हुए थे। ये भी बताते चले कि दशहरे के मौके पर 5 अक्टूबर यानी आज बाजार बंद है। 4 अक्टूबर के कारोबार में वोलेटिलिटी में काफी गिरावट आई थी। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वेक्स 8.4% गिरकर 19.57 के स्तर पर आ गया था। ऑप्शन फ्रंट पर नजर डालें तो 18,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला था। उसके बाद 17,500 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट रहा था। 16,500 और फिर उसके बाद 16,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला था। 17,200 और फिर उसके बाद 17,300 की स्ट्राइक पर हल्की कॉल राइटिंग देखने को मिली थी, जबकि 17,200 की स्ट्राइक पर हल्की पुट राइटिंग देखने को मिली थी। इन आंकड़ों के सुधार पर अनुमान है कि निफ्टी नियर फ्यूचर में 17,000 से 17,500 के दायरे में ट्रेड करता नजर आ सकता है। बैंकिंग शेयरों पर नजर डालें तो कल के कारोबार में बैंक निफ्टी 670 अंक की बढ़त के साथ 38,700 के स्तर पर खुला था और 1,080 अंकों की बढ़त के साथ 39,110 के स्तर पर बंद हुआ था, जो डे हाई के बहुत करीब है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया का कहना है कि अगर बैंक निफ्टी को 39,500 और उसके बाद 40,000 की तरफ बढ़ना है तो फिर उसको 38,888 के ऊपर टिकना होगा और बैंक निफ्टी के लिए 38,500 और 38,250 के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है। मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।